नुआ रूप पाई उत्कलमणि गोपबंधु पीठ देशी विदेशी पर्यटक जानवे बरपुत्र इतिहास गोपबंधु संघर्ष कथा कह सुडो ओडिया मौड़मणि को अवहेला राजनैतिक स्तर में काद फोपड़ा चलता हेले बर्तमान समालोचकों गाल लगी सख्त चमड़ा एवं नुआ रूप से झलसुची उत्कलमणि गोपबंधु जन्मपीठ नुआ रूप सहित नुआ रंग से शोभा पाउची उत्कलमणि गोपबंधु पीठ सुआंडो प्राय 25 कोटी टंकार प्रकल्प गोपबंधु जन्मपीठ से शिव मंदिर दुईट पोखरी पैतृक बासगृह गाँ रास्ता जन्मपीठ परिक्रमा रास्ता गोपबंधु स्मृति संग्रहालय सूचना केन्द्र आतिथ्य केन्द्र शिशु पार्क उत्कलमणि प्राय 15 फुट उच्चर प्रतिमूर्ति सठीघर कार्य विशेषकर स्वांड को नुआ रूपरेख दिजापर ग्रामवासी बेस उत्साहित स्वांड सरकार पदक्षेप को स्वागत करने सहित उत्कलमणि पीठर उन्नतीकरण सरकार सहयोग हाथ बढ़ाई मुख्यमंत्री को धन्यवाद जन एणिक देश विदेश आसुवा पर्यटक उत्कलमणि संपर्क में अधिक जानवर सुजोग मिल देशवासी सहित भविष्य पीढ़ी और विदेशी पर्यटक मैंने उत्कलमणि इतिहास जीवनी संघर्ष कहानी उपरे अधिक जानवाकू गोपबंधु स्मृति संग्रहालय दर्शक देखिपारे लुचि रही इतिहास स्वांड ग्राम से गोपबंधु जन्मग्रहण वर्तमान इस स्थान को राज्य सरकार उन्नतीकरण कर तांकु राज्यवासी ढेर सारा धन्यवाद जनाई छथि। ब्यूरो रिपोर्ट राइजिंग ओडिशा।